गाइस, तुमने पहले ही विधि लिख ली है कि कोच एबी को सबक कैसे सिखाया जाए। हाँ, रात को एबी के बालों को काला डाई करने के लिए। क्नोप, आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा। ओके, मैंने लिखा एक रात के लिए एबी को जिम में बंद कर देने के लिए। नास्त्या, तुम कह क्या रही हो? जानती हो ना इसके बाद वो हमारा क्या हाल करेगी। उसे अंधेरे से डर लगता है, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे मैस्कॉट, सबके सामने एबी पर ठंडा पानी डालेंगे। कुछ खास नहीं, मैंने लिखा है कि एबी को बना दिया जाए एक ज़ॉम्बी, उसे कंट्री हाउस से बाहर निकाल दिया जाएगा। वाओ, शायद हम सब में से तुम ही सबसे ज्यादा एबी से नफरत करती हो। ये तो बहुत हार्ड रेसिपी है। वो ऐसी है, उसने पहले ही मुझे परेशान कर दिया। ओके गाइस, हम अपनी विधियाँ यहाँ रखते हैं। मैस्कॉट चुनेगा कि हम किस विधि से कोच एबी को सबक सिखाएं। मैस्कॉट, कम ऑन, मैं एबी को ब्रुनेट के रूप में देखना चाहती हूँ। मैं उसे ट्रेनिंग हॉल में बंद करना चाहती हूँ। तो लड़कियों, सुनने को तैयार हो? एबी को ज़ॉम्बी बना दो, फिर उसे कंट्री हाउस से निकाल दिया जाएगा। मैंने देखा मैस्कॉट ने तुम्हारी रेसिपी निकाली। मैं सोच रही हूँ डायना, हम एबी को एक ज़ॉम्बी कैसे बनाएंगे? Well, मैं सोच रही थी जीप से कहूँगी, वो मुझे इनकार नहीं करेगा। डायना, तुम क्या कर रही हो? हमने उन्हें एक हफ्ते से नहीं देखा। हाँ तो फिर ठीक है ना, हम जाकर उनसे मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि वो एबी को ज़ॉम्बी बना दे। डायना, तुम चाहती हो जीप एबी को किस करे? Well, हाँ, तुम्हें क्या लगता है वो राजी नहीं होगा? मुझे नहीं पता डायना, तुम्हें बहुत अच्छे से पूछना होगा। जीप तुमसे प्यार करता है। क्नोपा, हम जाएंगे और उसे सारी बात समझाएंगे। डायना, अगर सब प्लान के मुताबिक नहीं हुआ तो जीप एक इंसान बन गया और एबी ज़ॉम्बी नहीं बन पाई। Well, तो फिर मेरे पास एक कूल बॉयफ्रेंड होगा, एक ज़ॉम्बी नहीं, और एबी के लिए हम दूसरा रास्ता चुनेंगे। तो फिर क्या हम ज़ॉम्बी हाउस चलें? चलो चलते हैं। ओ डायना, ये मेरे लिए थोड़ा डरावना है। कोई नहीं, एबी को बहुत पहले ही सबक सिखाना था। गाइस, सब काम करेगा, चलो चलते हैं। संक्षेप में, मैंने नोपा के लिए एक गिफ्ट तैयार किया है और वो मुझे माफ कर देगी। स्मॉल, तुमने कल क्या किया? वो कैसा तमाशा था? कोच एबी, क्या आप मेरा पीछा करना बंद करेंगी? ना मैंने कभी आपको प्यार किया था, ना कर रहा हूँ और ना कभी करूँगा। स्माइल, शांत हो जाओ, तुम लड़की से बात कर रहे हो। स्माइल, इस हरकत के लिए तुम्हें कंट्री हाउस से बाहर निकाल दिया जा सकता है। मैं डायना नहीं। और क्या चल रहा है लाला, मुझे बताओ। तुम बताओ कि तुमने नया बॉयफ्रेंड बनाया? मैं तुम्हें उसका फोटो भी दिखा सकती हूँ, ये देखो। चलो, कोई तो खुश है यहाँ। रात, तुम चिल्ला क्या रही हो? दफा हो यहाँ से, दिखता नहीं मैं जरूरी बात कर रही हूँ। लाला, मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगी, ठीक है? मैं वहाँ ऐसे लड़कों से मिली, क्या बताऊँ, तुम्हें बाद में दिखाऊंगी। यहाँ तो बिल्कुल कचरा हो रखा है, समझती हूँ लाला। वैसे भी हमारी ट्रेनिंग है तो हम जाएं? तिमोर, तुम जा सकते हो और स्माइल, तुम यहीं ठहरो। कोच एबी, अगर आप मेरे इसी तरह पीछा करती रहेंगी तो मैं आपसे भागता रहूंगा और मैं अभी भाग रहा हूँ। Well, Smile, तुम्हें तो मुझे डेट करना ही पड़ेगा। अगर अभी नहीं कहा है तो अभी ये करेगी। पिज़्ज़ा, तुम मेरी सबसे अच्छी हो। तुम भी बेहतरीन हो, हम पैसे इकट्ठा करके गाड़ी खरीदेंगे और हम सवारी करेंगे। तुम लोगों का अगर ये सब हो गया हो तो मेरे लिए एक अच्छा सा मोहितो बना दो प्लीज। ओह हेलो मिस्टर माइक। अच्छा, तो आपको क्या पसंद है? स्ट्रॉबेरी या क्लासिक? आज बहुत गर्मी है, क्लासिक बना दो। हमें बात करनी है। कैसा कन्फेशन? एक अच्छा कन्फेशन। हम और बुरी लड़कियाँ नहीं रहना चाहती, हम नहीं चाहते हमसे नफरत करे सब। ये तो अच्छी बात है, वेरी गुड। ओ फ्रॉग्स, तुम्हें लगता है तुम पर कोई विश्वास करेगा? हो सकता है वो दिल से कर रहे हैं। वो हमारा यकीन करेंगे। लूजर्स, अब यहाँ कोई बुरे फ्रॉग नहीं है। हम अब कंट्री हाउस में सबसे विनम्र हैं। तुम जब चाहो हमारे पास सलाह के लिए आ सकते हो, हम हमेशा ही तुम्हारी मदद करेंगे। फ्रॉग्स, ये तो तुम बिल्कुल नहीं हो, सच बताओ तुम क्या करने वाले हो? फ्रॉक्स, मुझे एक एडवाइस चाहिए। मैं अपने पैट्रिक के साथ 101 डेट पे कौन सी ड्रेस पहनूं? सुनो ब्रूस, क्या तुम फ्रॉक्स पे यकीन करते हो? हाँ, शायद। ब्रूस, तुम क्या कह रहे हो? फ्रॉक्स पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो पक्का कुछ न कुछ करने वाले हैं। जिगी, तुम अपने पैट्रिक के साथ 101 डेट पे कुछ भी पहन के जा सकते हो, पजामास भी। ब्लॉन्डी, क्या कह रही हो? हम सब अच्छी लड़कियां हैं। वेल, मैं उसे और क्या एडवाइस दूं? तो क्या तुम्हें हमारा यकीन है? हम सबसे काइंड और स्वीट लड़कियां हैं। यकीन नहीं करते हम। फ्रॉक्स, तुमने मुझे गलत एडवाइस दी, तुम झूठे। अरे दोस्तों, क्या तुम लोगों ने कॉस्टा और मेरी कार देखी है? ओ दीमा, तुम वापस आ गए, और वेकेशन कैसा था? दीमा, क्या टैंड लड़का है। माइक सर, मैं अभी वेकेशन के बारे में बात नहीं कर सकता। कॉस्टा मेरी कार लेकर गया, मैंने उसे कहा था मेरे बिना मेरी कार न ले जाए। कॉस्टा तुम्हारी गाड़ी में किसी लड़की को घुमा रहा था? हाँ, उसके हरे बाल हैं। अरे नहीं, कॉस्टा मेरा दोस्त है, वो ऐसा नहीं कर सकता। एक मिनट, मुझे मेरी बेबी की धड़कनें सुनाई दे रही हैं। ओह माय गॉड, कोच्चि को क्या हुआ? वो डर के मारे फीका पड़ गया। डैम, अब दीमा उसको कार के लिए डांटेगा। ओह माय गॉड, क्या वो भी बीमार है? हेलो, बताओ मैं कौन हूँ। कोच्चि, मेरी गाड़ी कैसे ले गए?
कोस्त्या? दीमा, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। कोस्त्या, ये तुम्हारे साथ किसने किया? टीचर माइक, क्या आपने देखा? कोस्त्या, ये सब क्या है, जरा समझाओगे? हाँ कोस्त्या, समझाओ ये सब क्या है, और हाँ मुझसे जरा दूर रहो। दीमा, तुम मेरे दोस्त हो। कोस्त्या, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुम उस हरी ज़ॉम्बी के साथ डेट करोगे तो मेरे दोस्त नहीं रहोगे। कोई है जो मेरे साथ कार राइड पे चलेगा? मुझे एक नया दोस्त चाहिए। और कोस्त्या, तुम अब से हमेशा मुझसे दूर रहना। जूली, मैं जाऊं दीमा के साथ? तुम दीमा के साथ राइड पे नहीं जाओगे। समझ गया। दीमा रुको, मैं तुम्हें सब समझा सकता हूँ, और तुम ऐसे दोस्त हो। मेरे ख्याल से कोस्त्या को मदद की जरूरत है। ज़ीनिया, जाओ। कोस्त्या, मुझे लगता है मेरे साथ एक के सब कुछ ठीक कर देगा। मुझसे हटो। दीमा, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। दीमा, वेल ज़ीनिया, क्या वो नहीं माना? शायद यही बेहतर है, वरना तुम भी उसकी तरह हो जाती। ये तो उस घर के लोगों के साथ रिश्ता रखने का नतीजा है। वाह, कोस्त्या ने ज़ीनिया को रिजेक्ट कर दिया। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। फ्रॉग्स, क्या पियोगी? मोहितो। लड़कियों, हमें इस कोस्त्या के बारे में कुछ करना पड़ेगा। लेकिन कैसे टीचर माइक, वो हमें से किसी की तरफ ध्यान ही नहीं देता। ज़ीनिया को डंप किया। शॉर्ट में लाइला, ये लड़के बिल्कुल वाव हैं। वेल याना, क्या तुमने उन्हें नहीं बताया कि तुम्हारी दोस्त है लाइला? बताया ना, बाय द वे इस वीकेंड वो हमसे मिलने आ रहे हैं ना, कूल? ओप्स, बाहर के लोग यहाँ नहीं आ सकते। वेल, कोई बात नहीं, हम खुद ही उनसे मिलने चले जाएंगे। हम उनसे बार बार कहेंगे। डायना, तुम उनसे बहुत बहुत पूछती हो, जीप सब डिसाइड करेगा। लड़कियों, शांत हो जाओ। हेलो रैट्स। हेलो, तुम कहाँ जा रही हो? बनी, क्या तुम लोग भूल चुके हैं कि तुम लोग आज ड्यूटी पे हो, या मुझे याद दिलाना पड़ेगा तुम्हें? हाँ, हमें याद है, हमने पहले ही सब कुछ कर लिया। हमारे पास कोई कचरा नहीं है, हम क्लीन है मैस्कॉट, हमें भरोसा नहीं है। चलो चलिए, और तुम हमें सब दिखाओ। ओ याना और लैला, तुम एक साथ क्यों? ये जैसे कोई ज्वालामुखी हो। याना लैला, तुम हमेशा की तरह गलत टाइम पे आए हो, हमें कुछ काम करना है, कम ऑन। हाँ, मैं बता रहा हूँ, लड़कियों ने सब काम खत्म कर दिया। हाँ, हम अभी भी वही ज्वालामुखी है। हम सब कुछ चेक करेंगे, और अगर तुमने हमें धोखा दिया होगा तो हम तुम्हें वापस लेकर आएंगे, और तुम्हें सब साफ करना पड़ेगा। चल लड़कियों, मुझे ऐसा लगता है कि जब याना नहीं थी तो सब कुछ थोड़ा आसान था। हाँ, लैला इतनी बुरी नहीं थी, और वो जब साथ होते हैं तो सिर्फ चूहों का गुस्सा होता है। अच्छा ठीक है लड़कियों, अब जल्दी करो, जल्दी करो। लड़कों, लड़कियां आज फिर से नहीं आई। हाँ, शायद बास्केटबॉल प्लेयर्स के साथ फिर सुलह हो गई होगी। आज मैंने नास्ते का सपना देखा, उसने कहा, ज़ाक, आई एम सॉरी, मैं वापस नहीं आ रही। तो अब क्या मुझे तुम लोगों का ये सड़ा मुंह देखकर जीना पड़ेगा? चलो कहीं चलते हैं, नई लड़कियां ढूंढते हैं, लड़कियां हमें पसंद करती हैं। क्या सच में? लेकिन मैं डायना से प्यार करता हूँ। और मुझे क्नोपा से प्यार है, सच्चा वाला, और मैं नास्त्या के बिना बिल्कुल भी नहीं जी सकता। तो ऐसा है दोस्तों, जो सच्चाई है उसे मान लो, लड़कियां वापस नहीं आने वाली हैं, हमें ऐसी ही ज़ॉम्बी लाइफ जीनी है। दोस्तों, जल्द ही समर हॉलीडेज खत्म हो जाएंगी और लड़कियां कंट्री हाउस छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएंगी। ज़ैक, मेरे अच्छे मूड को खराब मत करो। यार, मैं हमेशा बास्केटबॉल प्लेयर जैसा लड़का बने रहना चाहता था, ताकि लड़कियां हमेशा हमारे साथ रहती। काश ये असल में भी होता। दोस्तों, अब हम लड़कों से क्या कहेंगे? चलो कहते हैं सॉरी बॉयज, उन लोगों ने हमें आने नहीं दिया। नहीं गर्ल्स, हम जाएंगे और कहेंगे कि बॉयज, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। नहीं लड़कियों, सबसे अच्छा है कि उन्हें अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सच बता दो। हाँ मैस्कॉट, हम ऐसा ही करेंगे। चलो लड़कों को सारा सच बता देते हैं और उनसे कहते हैं कि हम मुसीबत में और उनकी मदद चाहिए। चलो बॉयज, हाय, क्या तुम घर पर हो? क्या दोस्तों, क्या ये सपना है? मुझे चिमटी काटो। अरे शांत हो जाओ, लड़कियां सच में आई हैं। बस हमें कोई फीलिंग्स नहीं दिखानी, जैसे कि हमें परवाह नहीं। बॉयज हाय, हमें पता है कि हम बहुत दिनों से नहीं आए, पर हमारे पास बहुत परेशानियां हैं। हाँ, तुम्हें नहीं पता कितनी परेशानियां हैं। ज़ैक, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। नास्त्या, तुम्हारी ये प्यार भरे शब्द बात के लिए रखते हैं, हम सब यहाँ किसी काम से आए हैं। दोस्तों, लड़कियों की मदद करो, अब सारी उम्मीदें सिर्फ तुम्ही से हैं। अच्छा, तो जब हेल्प चाहिए थी तभी हमारी याद आई। लड़कियों, तुम्हें गए 8 दिन हो गए और तुमने वादा किया था कि तुम आओगी। ऐसा है लड़कियों, बताओ क्या करना है। वेल बॉयज, हमारी एक ऐसी कोच है ना, एबी, वो बार बार हमें परेशान करती है। हाँ, वो चाहती है कि हम कंट्री हाउस छोड़कर चले जाएं। दोस्तों, क्या तुम ये चाहते हो लड़कियां तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए और तुम उन्हें कभी ना देख सको? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़ैक, ये तुमने बोला है, मैंने नहीं। हाँ, तो हमें क्या करना है? हम एक शोडाउन के लिए कोच एबी के पास नहीं जा रहे। वेल, बात ये है लड़कों, हम चाहते हैं कि कोच एबी तुम जैसी बन जाए। हाँ, फिर उसे कंट्री हाउस से भगा दिया जाएगा। हाँ, फिर हम तुमसे हर दिन मिलेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वैसे कोच एबी बहुत क्यूट है, ज़ीप तुम्हें बहुत पसंद आएगी। ज़ूप, लड़कियों की हेल्प करोगे? कोच एबी को किस करोगे? इसमें मेरा क्या लेना देना, तुम्हारी लड़कियां हैं, तुम लोग हेल्प करो। मैं किसी कोच वोच को किस नहीं करने वाला। मुझे पता था ज़कात, तुम नहीं मानोगे। ओ कनोपा, मैं देख सकती हूँ तुम बहुत खुश हो। लड़कियों, मैं भी ये सब नहीं कर सकता। आई लव यू नास्त्या। ज़ैक, ज़ीप, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मुझे प्यार है तुमसे, भले ही गुस्सा हूँ। सिर्फ एक किस कोच एबी के साथ, प्लीज।
मेरे लिए प्लीज। बस यही मौका है उसे सबक सिखाने का। ये ठीक है और मैं यहाँ आखिरी हूँ, है ना, आखिरी ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो भी तो, लेकिन वो तो मुझे जानती तक नहीं, वो किस करने के लिए राजी कैसे होगी अगर मैं उसे अच्छा ना लगा तो? वो कोई मुश्किल नहीं, हम पर भरोसा करो। ये अभी के लिए एक सरप्राइज जैसा होगा, जैसे कि स्माइल के साथ डेट। क्या फिर से वो स्माइल? मुझे उसके नाम से भी नफरत है। वो नाम नहीं है, बस एक पेट नेम है, और वैसे भी आईबी की आंखें बंद रहेंगी। अरे जी बहुत आसान है, कोच आईबी की आंखें बंद रहेंगी, जाओ किस करो और छोड़ दो। भाई तुम कर सकते हो। दोस्तों जरा सोचो, अगर मैं कोच एबी को किस करके नॉर्मल लड़का बन जाता हूँ तब मैं तुम पर हंसूंगा। ओ तो मुझे भी किस करने में एतराज नहीं है। बहुत देर हो गई, अब भूल जाओ। जीप मैं जानती थी तुम हमारी मदद करने से मना नहीं करोगे, हम कोच एबी को यहाँ लाएंगे। यहाँ एक रोमांटिक एटमॉस्फेयर बनाओ। हमें रोमांटिक नहीं चाहिए, उसकी आंखें बंद हो गई। लड़कियों जल्दी करो, यही सही समय है। हाँ, लड़कियां हमें नहीं भूली हैं। उम्मीद है लड़कियां सिर्फ हेल्प के लिए हमारे पास नहीं आईं। देख लेना तुम लोग लड़कियों की मदद करने के बाद कहीं लड़कियां फिर से गायब ना हो जाएं। अगर ऐसा ही होना है तो होने दो ऐसा, ठीक है? लड़कियों मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, स्माइल मुझे नजरअंदाज कर रहा है। कोच अभी स्माइल सिर्फ अपनी डायना से प्यार करता है। आप जानती हैं हमने अपनी तरफ से कितनी कोशिशें की बास्केटबॉल प्लेयर्स के साथ हुकअप करने के लिए और हर बार नाकाम हुए। वो सिर्फ बनी चीयरलीडर्स को डेट करना चाहते हैं। लड़कियों शायद तुम्हें कोई राज पता हो, स्माइल को आखिर पसंद क्या है? नहीं हमें नहीं पता। हमें बास्केटबॉल प्लेयर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। डायना से इस बारे में पूछो, बास्केटबॉल प्लेयर से हमारा कोई लेना देना नहीं। लड़कियों समझ नहीं आ रहा, तुम मेरा समर्थन करती हो पर मेरी मदद नहीं कर रही। कोच एबी हेलो, हम आपको ढूंढ रहे थे। कोई है जिसने आपको डेट के लिए पूछा है, उसने आपको लाने के लिए कहा है। आपके लिए सरप्राइज है। क्या तुम्हें पता है कि तुम हमारे कमरे में नहीं आ सकते? तुम्हारे वनीला परफ्यूम हमें बीमार कर देते हैं। यहाँ से दफा हो, हम चली जाएंगे लेकिन सिर्फ कोच एबी के साथ। क्या स्माइल ने बुलाया? वेल मुझसे कहा गया था बताने को नहीं, ये एक सरप्राइज है। कोच एबी मुझे आपकी आँखें बंद करनी होगी। डैम क्या चल रहा है? कोच एबी को कौन सरप्राइज करना चाहता है? कोई भी हो ये जरूर स्माइल नहीं है, हमें दखल नहीं देना चाहिए। चलो 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 जल्दी चलो। कोच एबी चलिए, मैं तैयार हूँ। कोच एबी आप इस सरप्राइज से शॉक हो जाएंगी, आप हमारे साथ जाने के लिए कभी नहीं पछताएंगी। मुझे लग रहा है बनीस कुछ तो करने वाले हैं। हाँ कोच एबी का क्या, कोच एबी हमारे लिए बेकार है इसलिए हमें उनकी फिक्र नहीं करनी। मैं उसे थक गई हूँ उसके सवाल से स्माइल के बारे में। तुम्हें कोस्टिया की मदद करनी ही पड़ेगी, कोई फुटबॉलर ऐसे नहीं होता है। मैं प्यार में पड़ गया। प्यार हो गया कोस्टिया, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। टीचर माइक कोच से को एक रात टेलीफोन बूथ में बिताने दीजिए, ऐसे इंसान के साथ कंट्री हाउस में रहने से मैं डर लगेगा। ओके एबी अब सीधे चलो, अब थोड़ा सा लेफ्ट या इधर 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 इधर, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। ध्यान से, ये क्या चल रहा है? ये कोच एबी के लिए सरप्राइज है। ऐसा है कोस्टिया, इसका हल निकालो वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ठीक है तुम एक देशद्रोही हो। बताओ कौन बात कर रहा है? तुम्हें समझ नहीं आता यही प्यार है? मैं बात कर रहा था इन्हीं लोगों के साथ रिश्ता रखने के बारे में। वेल कोस्टिया गुड नाइट, शुभ रात्रि। वहाँ जाके बैठो और सोचो क्या करना है। गाइज हम लोग एक फैमिली हैं और हमें फ्रेंडली रहना चाहिए, पर तुम लोग सब कचरा कर रहे हो यहाँ पर। बाय कोस्टिया, अलविदा दीमा। मुझे ये उम्मीद है कि कोच एबी सुंदर है। उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम तो डायना को चाहते हो। वैसे असल में मुझे परवाह है, मैं बदसूरत को किस नहीं करना चाहता। शांत हो जाओ, वो लोग आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है जीप तुम ये कर पाओगे, पर अगर तुम ये नहीं कर पाए तो मैं उसे किस करूंगा। कोच एबी हम यहाँ आ गए। क्या मैं आंखें खोल सकती हूँ? नहीं ये एक सरप्राइज है। तो कोच एबी अब यहाँ आकर बैठिए इस काउच पर। सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा। तो कोच एबी जो आपसे प्यार करता है वो अब आकर आपको किस करेगा 3 बार। आखिरकार वो मुझसे प्यार करता है। हाँ उसे ये महसूस हुआ कि आप उसके सपनों की रानी है। क्या तुमने स्माइल की परफ्यूम लगाई? हाँ। ओह स्माइल की खुशबू। हाँ। ओ तेरी, उन्होंने सच में किस कर लिया? एक। क्या मैं पट्टी हटा सकती हूँ? नहीं 3 किस होगा। 2 3 जी तुम नहीं बदले, पर कोच एबी पूरी तरह से बदल गई है। क्या मैं पट्टी हटा सकती हूँ? ये कौन है? शांत रहो कोच एबी, अब तुम पूरी तरह इस घर की रहने वाली हो गई हो। क्या तुम मुझसे कह रही हो कि मैंने अभी इसे किस किया? हाँ। कोच एबी आपका स्वागत है, कल आप ज़लीना से मिलेंगे और फिर चीयरलीडर्स की ट्रेनिंग फिर शुरू होगी। तो क्या एक सरप्राइज नहीं एक धोखा था? शांत रहो कोच एबी। कोच एबी आप बहुत अच्छी लग रही है। तुम कोच एबी अब इसी घर में रहोगी। बनी तुम कोच एबी आप अब यहीं रहेंगे क्योंकि वो आपको कंट्री हाउस में नहीं रहने देंगे। कोच एबी बैठ जाइए,
और आराम से अपने बर्ताव के बारे में सोचिए। आप हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं कर सकते। लड़कियों, हमें जल्दी ही लौटना होगा, कंट्री हाउस का दरवाजा बंद हो जाएगा। शुक्रिया जीप, तुम्हारा स्वागत है, बस अब तुम हमारे बारे में मत भूलना। हम हर रोज आएंगे। लड़कियों चलो, गुड नाइट कोच एबी। गुड नाइट, बाय बॉयज। कोई मुझे बताएगा कि तुम सबको क्या हुआ और मुझे क्या हुआ है? हम लोग बहुत अच्छे बंदे हैं। मैं जूप, जाक नास्तिया का बॉयफ्रेंड। और मैं जीप। क्या यहाँ कोई लड़की है? हाँ, हमारी बहन जलीना भी आ रही है। वो भी चीयरलीडर है। माने, उम्मीद है जलीना बताएगी सब कुछ, मैं वापस कैसे पाऊंगी। गाइस, क्या तुम्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा सख्त था जिस तरह हमने ट्रेनर एबी को सबक सिखाया? कमेंट में लिखना, लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को और दबाओ बेल बटन और वेट करो हमारे कूल सीरीज का। मिलते हैं तुम सबसे फिर से। बाय। मेरे ख्याल से ये ठीक है।